अब यहाँ पर खड़े रहना, मैं आता हूँ एक सेकंड में। सरप्राइज के लिए अपनी आंखें खोलो। अरे वाह, तुझे पता है मेरे पास बिल्कुल ऐसी एक बाइक थी। पर तुझे कैसे पता कि मुझे बाइक्स पसंद है? चुप रहना वीर, प्लीज। सुमन दीदी ने मुझे बताया। कैसा लगा आपको सरप्राइज मेरा? बिल्कुल तेरे जैसा, एकदम बेस्ट। अब तो आपको मुझे भोपाल घुमाने ले जाना ही पड़ेगा। पता है, मैंने दीदू को भी बताया था कि आपको पूरी बेस्ट प्लेसेस बताएं भोपाल की घूमने के लिए। और सुमन दीदू ने भी मुझे बताया था कि भोपाल घूमने का असली मजा बाइक पर ही आता है। पक्का वीर? चल वीर, अब मैं चलता हूँ। माफ कीजिएगा, वो वीर ने जिद की तो यहाँ पे आना पड़ा। मैं चलता हूँ। रुको श्रवण, इतने सालों के बाद आए हो, हमारे साथ चाय पी के जाना। थैंक यू सो मच, पर आज थोड़ा जल्दी में, फिर किसी दिन आता हूँ। अरे भैया, आज हमारे यहाँ भी एक गेस्ट आने वाले हैं, आप भी मेरे गेस्ट बनकर रुक जाओ प्लीज। मैं चलता हूँ। आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है, उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है। तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन सुमन आज साड़ी में ना तुम बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। है ना, आइडिया मेरा जो था। पर गिफ्ट तो मेरा था ना। ओए, मुझे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे क्या? तैयार किसने किया? मैंने।
ठीक कर लेती अपनी। स्माइल करते मैम। अब बताओ कैसी लग रही है? हमेशा की तरह खूबसूरत। पता है जब से इसने अपने आप को शीशे में देखा ना, तब से अपनी ब्यूटी को देखकर शौक में है मेरी बहन, है ना? शौक में तो मैं खुद भी हूं, तुमने साड़ी पहन ली। Hey, Suman, thank you so much for this beautiful surprise. कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं यार, एक फ्रेंड का फोन आया था तो बस उससे बात कर रही थी। फ्रेंड? हाँ, तुझे पता है किसी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। जी हाँ, फ्रेंड। और अपना दिमाग इतना ज्यादा यूज मत करो, और बड़े अजीब हो तुम। तुम्हें मेरी सेटिंग करवानी थी और यहाँ खड़े हो कि कर रहे हो। अबे हाँ, एक मिनट। हाँ, एक बंदा है मेरी नजर में। रियली? तुझे बहुत पसंद आएगा, यही बुला लो उसे। ऑफ कोर्स, पूछने की बात है क्या? बुला बुला, जल्दी बुला। अभी तो किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हूं। हाँ, लेकिन जिस दिन जगह परमानेंट हो जाएगी आपसे डेफिनेटली मिलवाऊंगा। आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है, तो चलो सब रेडी। कुछ काम आ गया क्या? सबसे जरूरी काम, मेरी सेटिंग करवा रहा है, उसे यही बुला लिया है। कंचा, रुकना। उठा नहीं रहे, दोबारा ट्राई करता हूँ। अरे सुमन, वो बताया था मैंने, मेरा आर्मी वाला फ्रेंड, उसे यही बुला रहा हूँ। चाची वेट कर रहे हैं, दोस्तों को तो बाद में भी बुलाया जा सकता है ना। अभी पूरी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। बढ़िया, मेरी बात आते ही सबको खाने की याद आ जाती है ना। ओके, सो ठीक है, चलना। मैं जितनी भी कोशिश करूं, मेरा पास्ट मेरे आज और फ्यूचर पे क्यों हावी हो जाता है? सब कुछ पीछे छोड़ के मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? आ जाइए, खाना तैयार है जी। अभी आ रही थी। वैसे आंटी, आज रात भी कुछ कम नहीं लग रही है। हाँ, ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए वीर, तुम इतना चुप क्यों? चॉकलेट किसको चाहिए? ये लो तुम्हारे लिए। वो आज मेरे फ्रेंड आए थे, मैंने उनसे बोला था कि वो आपसे मिलके जाएं, पर उन्हें कुछ काम था इसलिए वो चले गए। अच्छा, कौन था वो? वीर, टेबल पे खाना ज्यादा और बातें कम। ओके विक्रम, तुम कोफ्ते ट्राई करो ना, अच्छे बने। श्योर। पता है भैया, दीदू को डॉक्टर ने टीचर होना चाहिए था, सबको डांट लगाती रहती है। बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनका परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। मुझे तो जैसे
खाली डाइनिंग टेबल देखने की आदत से पड़ गई थी, पर आज सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें ताजा हो गई। चाचू, पता है विक्रम, पहले हमारे घर में एक रूल था कि सब 8 बजे बैठ के साथ में डिनर करेंगे। तब लगता था कि क्या रूल है, फिर हॉस्टल गए तब लगा कि क्या रूल था। अब आप सबको दीदू की डांट फिर से खानी है, खाना खाओ। अगर तू खड़ा है पीछे तो हाँ गिर जाऊं, मगर अगर वो पड़ोसी होंगे तो मैं नहीं गिरूंगा, उनसे मेरा ये तगड़ा वजन संभाला ही नहीं जाएगा। अरे ये नई चोट कैसे लग गई भैया जी? चोट तो बहुत पुरानी है झुमरी दी, बस ये दर्द नहीं है। आपके दोस्त और बंटी भैया भी अभी तक नहीं आए हैं जी, तो खाना? आज सब बिजी है ना, और वैसे भी अब अकेला हूं तो अकेला ही खाऊंगा। खाना अगर पसंद का हो ना तो अकेले में भी स्वाद आता है जी। आपके लिए मैडम जी से पूछकर शाही पनीर बनवाया है, आपको पसंद है ना? मम्मा ने रेसिपी बताई है, तो देर किस बात की थी, दो ना। हम जानते हैं कि मैडम जी जैसा नहीं बना है जी, माँ के हाथ का तो स्वाद ही अलग होता है, फिर भी हमने पूरी कोशिश। आपकी कोशिश बिल्कुल ए बने थी, लेकिन पता है खाने का असली मजा तो तब आता है ना जब पूरी फैमिली एक साथ हो। इसीलिए आज आप और मैं एक साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं, आप खाइए ना, हम बाद में खाएंगे। मुझे अकेले खाने दोगे? बिल्कुल नहीं। आज तक आपने कितने प्यार से सबको खाना खिलाया ना, आज आपके लिए प्लेट मैं लगाऊंगा दीदी। अरे आओ ना दीदी। कंचा भी ना, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रही है आइसक्रीम लाने में। क्योंकि वो समझदार है। समझदार मतलब? मतलब आ जाएगी, तब तक हम तो बातें कर सकते हैं ना। सुनो, जब तक हम कंचन का वेट करें थोड़ी देर टेरेस पे चलें। नहीं मतलब यहाँ आराम से बैठते हैं ना, बाहर कहाँ खड़े होंगे। तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ सुमन, तुम खामखा मैसी फॉर्मेलिटी में मत पड़ो। ओके मैंने वैसे भी बाहर का व्यू नहीं देखा, तो चलते ना थोड़ी देर टेरेस पे। अब मेरे ख्याल से मुझे बाहर थोड़ी ठंडी हवा खाई लेनी चाहिए, है? चलोगी?
पता है सुमन, आज जब से तुम्हारे घर आया हूं तो मेरा दिल यही कह रहा है कि काश मैं एक राइटर होता और तुम्हारी तारीफ में दो चार लाइनें बोल देता। मतलब वाकई में बहुत मन कर रहा है कुछ कहने का, लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा। सुमन, तुम सुन तो रही हो ना? हाँ बिल्कुल, क्या मन कर रहा है तुम्हारा? अरे यार सुमन, पता है तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट से पूछता है, हाँ क्या तकलीफ है, दर्द तो नहीं हो रहा है? I'm sorry विक्रम, वो मैं तुमसे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.